हेलो गाइस, वेलकम टू रिएक्शन मैनिया। मैं हूँ आपका उसको मैच। तो फाइनली हम 1994 की उस एनिमेटेड मूवी को दोबारा देखने जा रहे हैं। एक बेहतरीन VFX, CGI और एक बहुत बड़े बैनर के साथ वॉल्ट डिज्नी। और ये हॉलीवुड की जानी मानी एनिमेटेड मूवी थी, सबने देखी है ऑलमोस्ट। मुझे नहीं लगता किसी कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो 90s में बॉर्न हुआ और ये बोले कि नहीं यार, मैंने ये मूवी नहीं देखी। सो वी आर गोइंग टू विटनेस द न्यू टीजर ऑफ द लॉयन किंग। और सीरियसली, ये पुरानी लॉयन किंग नहीं है जिसको हम एनिमेटेड कार्टून्स में देखते थे। इट्स अ रियलिस्टिक CGI एंड VFX प्रेजेंटेशन एंड आई रियली वॉन्ट टू सी इट। तो ये टीजर बहुत ज़्यादा फेम पे था और काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था, और मैं इसे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सारी वीडियोस थी। और मैं जब सोच रहा था कि क्या करूँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, तो आई आस्क माई फ्रेंड्स एंड दे सेड बना भाई, टेंशन की बात की है, जो मिलता है बना, क्योंकि ऑडियंस भी तो खुश करनी है। तो चलो मैंने जाके देखते हैं टीजर, फिर देखते हैं हमें उसमें क्या क्या मिला। वाओ, एवरीथिंग द लाइट टचेस इज आवर किंगडम। But a king's time as ruler rises and falls like the sun. Jungle Book. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Wow! Amazing! The Lion King. Seriously, yaar, itni perfection. I remember, मुझे आज भी याद है कि वो actually shot ऐसा ही था, और हर चीज बिल्कुल इसी डिजाइन से। मतलब मैं नहीं बोल सकता चीज़ को, मतलब इतनी परफेक्ट VFX एंड CGI एंड ग्राफिक्स, रियली यार, मतलब उसमें फ़र्क ही नहीं बता सकते आपके, उसमें क्या फ़र्क है, मतलब कि रियलिस्टिक नहीं है या फिर क्या नाम है, कुछ नहीं है। मतलब एक नाम दोनों बंदे उठा के बोल दूँ, हाँ बताओ क्या है, जिसको नहीं इतनी नॉलेज ना हो कि VFX CGI कितनी टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकल चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा फर्क कर सकता है या जज कर सकता है इस चीज़ को। तो रियली यार, वर्ल्ड डिज्नी 2019 के अंदर सीरियसली बहुत लेवल से चल रहा है। फर्स्ट अलादीन, सेकंड द लॉयन किंग, थर्ड फ्रोजन, ओके एंड फोर्थ आई यू नो वेरी वेल कि मार्वल भी डिज्नी के साथ ही वर्क करता है। तो वी हैव एवेंजर्स, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड मच मोर यार, मतलब मुझे नहीं लगता। एंड फाइनली द लास्ट पार्ट ऑफ टॉय स्टोरी 9, टॉय स्टोरी 4, तो बहुत पैसा खर्च करने वाला हूँ मैं, मुझे लग रहा है जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, सारे पैसे सिनेमा हॉल में गुजर जाएंगे मेरे, और आई कॉन्ट वेट। और मुझे इसकी रिलीजिंग डेट पता है कि ये समर 2019 में रिलीज होगी मूवी। और फंस गए, तो समर में तीन चीज़ें हमारे पास होंगी, स्पाइडरमैन होगी, गेम ऑफ थ्रोन होगा आई थिंक, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन की अभी तक कन्फर्म नहीं है डेट, वो या तो मिड अप्रैल में रिलीज होना है या फिर जून तक, तो गेम ऑफ थ्रोन होगा। इतना कुछ है हमारे पास देखने के लिए, टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलो, अब तो टाइम हो गया जाने का,
कि तुम लोगों के लिए और वीडियोस बनानी, इतनी सारी फरमाइशों की लिस्ट बना दी तुम लोगों ने मेरे लिए, तो चलते हैं।